चलो आज बनाएं रोड तीज का जैन खाना। ये चार रकम की दाल मिलाएं, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के सीटी लगाएं। मोटा आटा में नमक, अजवाइन और घी अच्छे से डाल के मुट्ठी बनने जैसा मोइन डालें और गुनगुने पानी से ओसन लें। आज के दिन हर जैन घर में ये ही खाना बनता है। इस कॉम्बिनेशन में हम तोरई की ही सब्जी खाते हैं और हम बनाते हैं धूनी वाली सेकी हुई मिर्च की भुजी। इसमें डालते हैं नमक, मिर्ची, धनिया, घी, थोड़ा कूट लेते हैं और फिर धूनी लगाते हैं। ये हुई धूनी की मिर्च की भुजी। चलो अब बनाते हैं काचरी की चटनी। हमारा रेशियो है 3 चम्मच काचरी, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, कसूरी मेथी। इसे हम पहले दूध में घोलेंगे और फिर जीरा हींग देके तेल में बघार करके पका लेंगे। लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, हींग और गरम मसाला, मिर्ची, ज़रा सा नमक, ज़रा सी हल्दी, ज़रा सा गरम मसाला पानी में घोल के तैयार रखें। घी टोपिये में चढ़ाएं, जीरा हींग का बघार देके गरम मसाला डाल दें और फिर वो घुला हुआ मसाला डाल के दाल इसमें डालें। गाढ़ी हो तो थोड़ा गरम पानी डाल के उसे अपने पसंद के अनुसार पतली कर लें और बॉईल आने तक ज़रूर पकाएं। अब बनाते हैं तोरई की सब्जी। तेल में जीरा डालें, हल्दी डालें, तोरई डालें, हिलाएं, 1 मिनट के लिए ढक दें, दोबारा हिलाएं, फिर ढक दें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया मिलाएं और उतार लें। तोरई हमेशा तेज आंच में बननी चाहिए। अब आटा अच्छी तरह भीग गया है, मोटा एक लोई तोड़े, मोटी मोटी रोटी बनाएं, बराबर कर लें। मीडियम आंच तवे पे अच्छी तरह से सेकें। पीछे की साइड तवे पे ही क्रिस्प होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही कलर आए। अब इसको पलट के सामने से भी धीरे धीरे सेकें। ये सिक गया है, अच्छी तरह इसमें घी लगाएं और परोसें। बूरा, काचरी की चटनी, मिर्च की भुजी, नींबू, तोरई की सब्जी, दाल और रोट, ये है आज के दिन का रोट तीज का जैन खाना।